हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल रेस आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स जिसमें पहला है स्टोन्स यानी पत्थर हम इसे रॉक भी कहते हैं दूसरा है ब्रिक्स यानी ईटे अगला है लाइम जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट या चूना भी कहते हैं अगला है सीमेंट सीमेंट हम सभी को पता है अगला है कंक्रीट। कंक्रीट तीन चीजों का मिक्सचर होता है जिसमें पहला है सीमेंट दूसरा सैंड और तीसरा एग्रीगेट अगला है मोर्टार मोर्टार सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है अगला है टिम्बर टिम्बर यानी ऐसी लकड़ियां जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है उन्हें हम टिम्बर कहते हैं तो हम देखते हैं पहला टॉपिक स्टोन्स स्टोन्स यानी रॉक इट इज ऑप्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट यह हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है नो डिफाइनाइट शेप और केमिकल कंपोजिशन इसका कोई डिफाइनाइट शेप और केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स यह दो या दो से अधिक मिनरल्स के मिक्सचर से बना हो सकता है अब देखते हैं स्टोन्स का क्लासिफिकेशन स्टोन्स को हम तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं जिसमें पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन तो पहला देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं इग्नियस रॉक्स रॉक्स और मेटामोर्फिक रॉक्स एग्नियस रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जो मोल्टेन लावा से बने होते हैं हम सभी को पता होगा कि जो से जो मोल्टन लावा निकलता है वह जब ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के बाद वह एक रॉक की शक्ल ले लेता है ऐसे तो रॉक्स को हम एग्निशियस रॉक कहते हैं दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे रॉक्स जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनते हैं सेडिमेंट्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल क्ले और सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल जब डिपॉजिट होते हैं और डिपॉजिट होने के बाद वे एक रॉक की शक्ल लेते हैं तो ऐसे रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं जैसे कि लाइम और सैंडस्टोन। तीसरा है रॉक्स। रॉक्स ऐसे जिनके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हीट और एक्सेसिव प्रेशर के कारण बदलाव यानी कि अल्ट्रेशन होता है ऐसे ऐसे रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं इसका एग्जाम्पल है मार्बल फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो रॉक्स दो प्रकार के होते हैं पहला होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जिनकी डिस्टेंस लेयर को हम सेपरेट कर सकते हैं हमने देखा होगा रॉक्स में ऐसी लेयर्स नुमा रॉक्स होते हैं कोई कोई तो हम ऐसे रॉक्स जिनकी हम लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएंगे जैसे लाइम स्टोन सैंडस्टोन और स्लेट अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जिनकी लेयर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और मार्बल अब केमिकल क्लासिफिकेशन इसके हिसाब से रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं सिलिसियस रॉक्स आर्जिलेशियस रॉक और कैलकेरियस रॉक्स सिलिशियस रॉक्स यानी ऐसे रॉक्स जिसमें सिलिका मेन कंस्टिट्यूंट होता है एग्जाम्पल ग्रेनाइट ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें क्ले और एलुमिना मेन कंस्टिटुएंट होता है इसका एग्जाम्पल है स्लेट लेटेराइट और कायोलाइन तीसरा है कैल्केरियस रॉक्स ऐसे रॉक्स जिसमें लाइम या फिर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं वह मेन कंस्टोटेंट होता है इसका एग्जाम्पल है लाइम और मार्बल अब हम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन देखते हैं जो रेगुलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं पहला है ग्रेनाइट आप पिक्चर में देख सकते हो ग्रेनाइट किस प्रकार से होता है तो ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक है इसमें क्वार्ट्स, फ्लैश और माइका होता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 टू स्क्वायर थर्टी मेगा यह ब्राउन ग्रे और पिंक कलर में होता है यह हाई रेजिस्टेंस टू वेदर होता है इसे हम इजीली पॉलिश और वर्क में ले सकते हैं यह है फ्लेट आप देख सकते हैं स्लेट इस प्रकार का होता है यह एक आर्जिलेशियस रॉक है इसमें एल्यूमिना सैंड या फिर कार्बोनेट्स ऑफ लाइम होते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 टू 70 मेगा स्क्वायर के बीच होती है यह ग्रे या फिर डार्क ब्लू कलर का हो सकता है इसे हम सिस्टंस में यूज करते हैं और यह एक एक्सलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल है अब बात करते हैं की। इस प्रकार से होता है।, है। इस होता है। यह एक सिलिशियस रॉक है इसमें क्वार्ट्स और फ्लेस्पार होता है यह स्ट्रीट पेविंग में अच्छा माना जाता है अब है सैंडस्टोन देखिए इस प्रकार से सैंडस्टोन होता है यह एक सेडिमेंट्री रॉक है हम पढ़ चुके हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी क्या सिलिशियस वेराइटी का सेडिमेंट्री रॉक है यह इसमें क्वार्ट्स, लाइम और सिलिका होता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.95 के बीच होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है यह व्हाइट ग्रे ब्राउन और पिंक कलर का हो सकता है यह बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है एशलर वर्क मोल्डिंग और क्रेविंग में हम इसका यूज करते हैं अब है लाइम स्टोन लाइम स्टोन ऐसा हमने देखा है वाइट कलर में येलो कलर में और डार्क ग्रे कलर का होता है सीमेंट बनाने में यूज होता है इसका तो यह एक सेडिमेंट्री रॉक है कैल्किस वेराइटी का इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होती है यह ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है और कभी कभी मैसनरी में भी यूज होता है अब मार्बल मार्बल हम सब ने देखा होगा मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है कैलकेरियस वेराइटी का इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है और यह बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है इट इज वेरी हार्ड एंड टेक फाइन पॉलिश बहुत ही हार्ड होता है और फाइन पॉलिश होती है इसकी फाइन पॉलिश कर सकते हैं। यूज फॉर क्रेविंग एंड डेकोरेशन वर्क है कंकर कंकर एक इम्प्योर लाइम है जिसमें 30% परसेंट एलुमिना और सिलिका होता है हार्ड कंकर इज यूज फॉर बिल्डिंग फाउंडेशन वर्क यानी हार्ड कंकर जो होता है वो बिल्डिंग फाउंडेशन वर्क के लिए हम यूज करते हैं लेटेराइट इस प्रकार से होता है लेटेराइट लेटेराइट एक सैंडी क्ले स्टोन है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 2.2 के बीच होती है यह एक पोरस और सेल्यूलर स्ट्रक्चर का होता है यह बिल्डिंग और रोड वर्क में यूज होता है अब है मुरुम इस प्रकार का मुरुम होता है इट इज डिकम्पोज लेटेराइट डीप ब्राउन और रेड कलर का होता है यूज इन बिल्डिंग एंड रोड बेस रोड के बेस बनाने में या हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होता है फाउंडेशन के बेस में भी हम बुरुम को यूज करते हैं अब है क्वार्टजाइट इस प्रकार का होता है क्वार्टजाइट यह एक सिलिशियस सैंडस्टोन है जिसके ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन होती है बहुत ही स्ट्रॉग और ड्यूरेबल होता है यह इट इज यूज एज अ रोड मेटल और रेलवे बलास्ट और इन कॉन्क्रीट प्लीज सपोर्ट अवर चैनल लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू